हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणब और आप देख रहे हो मैग्नेट थ्रेड। तो मैग्नेट थ्रेड में आपको फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। पहले बता देता हूँ, आज की वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं एक मशीन के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अभी का अगर बात करें तो अभी काफ़ी डिमांड जो है ना जैक और जुकी मशीन का चल रहा है। तो आपके मन में भी ज़रूर सवाल होता होगा कि काश मेरा पास जुकी मशीन होता तो मैं भाई प्रोटेक्शन पे प्रोटेक्शन निकलता, मेरा फिनिशिंग और भी बढ़ जाता। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ जो कि सच है, एकदम करवा सच है। तो आप बता देते हैं कि जुकी मशीन आदमी लेते क्यों है। तो जुकी या जैक अगर लेते हैं तो वो तो एक तो मतलब परेशान हो जाते होंगे इस मशीन से, जिसको थोड़ा बहुत मशीन का नॉलेज नहीं है, इस कारण से ज़्यादा आदमी परेशान हो जाता। और दूसरा, जुकी मशीन जो है ना एक्चुअली मतलब रनिंग पे है, जो एक्सपर्ट लाइन पे है उसके लिए चलो ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जुकी मशीन लेने से मेरा प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो कि डिज़ाइनर रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो काम को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो हाँ, थोड़ा सा आपको सहूलियत हो जाता है, उसका बोर्ड जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है और वैसे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत अंतर मिलता है बट उतना भी अगर आप सोच रहे हो कि हाई लेवल का अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पास भी जुकी मशीन है और मेरिट का 95 मॉडल भी है, मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ, प्लस जैक भी है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मेरा जुकी मशीन में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो आप अगर जुकी मशीन ख़रीदना चाहते हो, आपके मन में ज़रूर ये सवाल होगा, तो आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद ही ख़रीदना, ताकि आपको पता चल जाए कि ईजिली कि इसमें एक्चुअल में है क्या। तो चलो वीडियो को लेके चलते हैं, आपको मशीन दिखाते हैं, फिर समझ में आएगा। तो मशीन की तरफ कैमरा करते हैं। सबसे पहले आपको एक स्टैंड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दो धागा आप एक साथ लगा के रख सकते हो, एक बबिन भरने के लिए और दूसरा जो है मशीन चलाने के लिए। तो उसके बाद जुकी का ब्रांडिंग अगर आप देखोगे जुकी का, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, जो कि ब्लू कलर में दिया हुआ, व्हाइट में बहुत ही। और इसका कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलता है। मॉडल नंबर आपको बता देते हैं, DDL8100E है इसका मॉडल। और ये आपका मिल जाता है बबिन केस आपको भरने के लिए, जिसमें आप धागा भरते हो। तो इसमें भी काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स है जो कि अभी अपग्रेड कर दिया जुकी ने। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका पहले ओवरऑल आपको लुक जो है मैं दिखा देता हूँ। और इसका वेयर, इसका जुकी मशीन का प्लस पॉइंट ये है कि इसका वेयर जो है, यानी कि थ्रिप्लग का जो वेयर है, ये आप नॉर्मल बोर्ड में आप यूज़ कर सकते हो, जो कि जैक मशीन के कंपेरिजन में। तो चलो वो सब के बारे में बाद में बात करेंगे। और इसका अंदर का इंटरफेस आपको एक बार दिखा देते हैं, जो कि आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, वो आपका घुटना हो गया, जो कि अपना चाप को अप डाउन करने के लिए काम में आता है। और जो आप बॉक्स जैसा दिख रहे हो, वो आपका ऑयल टैंक है। और यहाँ पे आपको एक बड़ा सा खूब सा स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप दुनिया भर की जिन सामान रख सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर ऑयल टैंक मिल जाता है। और ये ऑयल टैंक में आप अगर देखोगे तो हमारा ऑयल जो है प्रॉपर तरीका से, यानी कि चेंज करने की टाइम आ चुका है। तो बहुत जल्दी ही जो हम चेंज कर देंगे, तो जल्दबाजी में ये वीडियो बना रहे हैं, इसके कारण जो है हम चेंज करने का टाइम नहीं मिला। तो आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको जुकी का एक ब्रांडिंग मिल जाएगा और उसके नीचे देखोगे हाई लिखा हुआ रहेगा और उसके नीचे में लॉ लिखा हुआ रहेगा। ये आपको जो तेल का कैपेसिटी होता है ना, वो आपको हाई रखना है और लॉ रखना है, उसका जो है निशान दिया हुआ है, उसी का मार्क है। तो चलो इसको मशीन का प्लग को एक बार घुसाते हैं और देखते हैं कि मशीन का इंटरफेस लाइट आने पर कैसा दिखता है। तो चलो स्विच को करते हैं हम ऑन, और ऑन होने के बाद देख सकते हो ये हमारा सारा लाइट जो है जल चुका है। जो सबसे पहले आपको यहाँ पे वार्निंग मिल जाता है, जो कि क्योंकि डायरेक्ट करंट एक बार में इसमें एक्टिव हो जाने के बाद और हाथ से अगर रोकोगे तो रोकेगा नहीं, तो इसीलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में देना। और ये आपका जो है सिलाई का टाका को छोटा बड़ा कर सकते हो इजीली इसके मदद से। और इसके नीचे आपको मिल जाता है लॉक करने के लिए, जो कि हम मशीन को आगे पीछे करते हैं सिलाई के एंडिंग में। और यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का एक बटन मिल जाता है, बहुत ही प्यारा लुक देता है, जो कि ऑन करने पर लाइट जलता है और ऑफ करने पर बंद हो जाता है। और ये आपको नीडल ऊपर नीचे करने का बटन मिल जाता है, और राइट साइड में जो आप देख रहे हो वो आपको लाइट के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आप नॉर्मल अगर इसका स्पीड की बात करोगे तो बहुत ही नॉर्मल है। और इसमें आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप नया से नया बंदा भी जो बैठ के इजीली सील सकते हो। अगर आपको कभी भी मशीन पे नहीं बैठो तो फर्स्ट टाइम भी बैठ रहे हो ना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये जुकी मशीन का जो है ना, मुझे सेटिंग बहुत ही अच्छा लगा। इसे भी आप चाप को अप डाउन कर सकते हो, जैसे कि हम आपको करके दिखा रहे हैं। और इसका हाई स्पीड आप देखो, बहुत ही मस्त स्पीड है, जो कि आपको नॉर्मल मशीन के कंपेरिजन काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। ये आपका लाइट का बटन है,
और ये आपको मशीन का स्पीड को प्लस करते हैं, और जो माइनस का बटन आपको बाजू में दिख रहा है उससे आप स्पीड को डाउन कर सकते हो। तो इसका स्पीड अभी हम डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे इजीली माइनस हो रहा है और डिस्प्ले में आपको शो भी हो रहा है। तो इसका जो है हम हाई स्पीड की अगर बात करें तो 3500 तक जो है इसका जो हाई स्पीड है, और इसका नॉर्मल स्पीड जो है 200 तक आता है। तो 200 तक आपको इस प्रकार चलता है, जो कि आपको नया बंदा भी बैठे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स है जो कि जुकी ने और जैक ने अपग्रेड की है इसमें, मुझे स्पेशली बहुत ही पसंद है। और ये आप बबिन राइडर जो देख रहे हो इसमें तो और कमाल की फीचर्स ही डाल दिए भाई साहब। अब ये ऑन करोगे तो एक तो लाइट जलता है जो कि आपका मशीन का लुक को जो है चेंज कर देता है, और ये हरा कलर का बटन दिख रहा है एक, और दूसरा रेड कलर का। हरा कलर से आपका जो बबिन आपका चालू हो जाता है, यानी कि बबिन भरना स्टार्ट हो गया, और रेड कलर से आप बंद कर दो, बहुत ही ईजिली हो जाता है। और भी एक फीचर्स है जो कि भर के दिया है इसमें। अब इसमें भी जो है सेंसर सिस्टम दे दिया है भाई, फिंगरप्रिंट नहीं तो सही लेकिन सेंसर सिस्टम तो होना ही चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ अभी सेंसर सिस्टम हो रहा है तो मशीन क्यों नहीं। तो यहाँ पे आप अगर बबिन भर रहे हो, आपका अगर ऑटोमेटिक बंद नहीं होता है तो आप इसको उंगली से बस टच करो और ये बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे अभी सब कुछ सेंसर पे ही होने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम इतना आगे बढ़ चुका है। तो सही कहा ना हमने, टेक्नोलॉजी इतना आगे एडवांस हो गया कि जितना भी फीचर्स देते दे, हम लोग को जो है कम ही लगता है। तो गाइस ये वीडियो में आपको मतलब कैसा लगा देख के, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ। अगर आपको दूसरा मशीन का रिव्यू भी देखना है तो हम बिल्कुल करेंगे, आपका कमेंट का कर रहे हैं इंतज़ार। और ये वीडियो में जितना ज़्यादा लाइक आएगा और कमेंट आएगा मैं उसके अकॉर्डिंग जो है दूसरा मशीन का रिव्यू लेके आऊँगा। और जैसे कि आपको पता है मैंने ये फर्स्ट टाइम जो है मशीन के बारे में बताया, आपको अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ।